नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है, कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स, अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपा सारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। अब बढ़ते हैं समाचार की तरफ विस्तार से। कोविड 19 के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए फुलबाड़ी इलाके में 3 दिन बंद रहेगा। राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन दार्जिलिंग जिले और जलपाईगुड़ी जिले के कुछ जगह में अभी भी कोविड 19 के संक्रमण में वृद्धि हो रही है। इनमें से एक फुलबाड़ी इलाके में स्थित फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत भी है। यहाँ कोविड 19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। इसके बाद फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के इलाके के बाजारों को 3 दिन बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें सोमवार, बुधवार और शनिवार को बाजार बंद रहेगा। फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत प्रधान बाजार कमिटी बैठक हुए सिद्धांत ने जे कोरोना भाइरस दिखे बाढ़ सप्ताह 3 दिन बंद रखे, मान शनिवार, सोमवार, बुधवार, बाकी 4 दिन समय मत खोला है सकाल 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত। প্রশাসনের সাথে বৈঠক করে বাজার কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজকে থেকে তো এটা প্রথম, আজকের দিন আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন সকাল থেকে বাজার ঘাট সব বন্ধ। আমরা তো সবাই সমর্থন করতেছি এই বাজার বন্ধের জন্য, কারণ দিন দিন যেভাবে আমাদের এই রোগ বাড়তেছে তার থেকে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এত রোগ আমাদেরকে মানে নিয়ে চলতে হবে। সেটা কথা মাথায় রেখে আমরা এই সিদ্ধান্ত বাজারের কমিটির সাথে একে সম্মত দিয়ে সকাল থেকে আপাতত আমরা সবাই বন্ধ রাখছি। सिलीगुड़ी में भारी मात्रा शराब के साथ एक गिरफ्तार, अदालत में किया गया पेश। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन के दौरान सिलीगुड़ी शहर से सटे विभिन्न इलाकों में अवैध देशी विदेशी शराब का धंधा जोरों पर चल रहा था। आए दिन पुलिस छापेमारी में भारी मात्रा में शराब के साथ लोगों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आ रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दशरथ साहा नामक एक व्यक्ति को भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। उसे शनिवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। नक्सलबाड़ी में वैक्सीन लगाने को लेकर हुआ धक्का मुक्की, पुलिस ने संभाला मोर्चा। सिलीगुड़ी महकमे के नक्सलबाड़ी बेंगोई ज्योत प्राथमिक विद्यालय में कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों में भारी अफरा तफरी देखी गई। जानकारी के अनुसार आज सुबह 300 लोगों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की बात है, जबकि यहां उससे अधिक लोग वैक्सीन के लिए लाइन में लगे थे। ऐसे हालात में वैक्सीन के लिए लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। এত বড় লাইন, লাইন দেওয়ার মধ্যে টুকুন দিচ্ছে, টুকুন বিতরণ দিচ্ছে, যেরকম রথমেলায়। হ্যাঁ, রথমেলায় যদি দর্শক যায় পাবলিকের জন্য প্রসাদ ছিটায়, হ্যাঁ, হইলটের মতো কল ছিটায়ার মতো এখানে টিকিট দিচ্ছে পুলিশ। হ্যাঁ, পুলিশও পাতা পায় না, যারা লাইনে ছিল তারা তো টুকুন পায় না, আর বে লাইনের গুলা টুকুন পাচ্ছে। এই এইভাবে কি এটা ভ্যাকসিন দেওয়ার সিস্টেম? হ্যাঁ, এভাবে তো কোথাও দেখিনি আমরা। বাস सोते समय जहरीले सांप के डसने से व्यक्ति की मौत, यह दर्दनाक घटना शुक्रवार देर रात मालदा जिले के गाजल थाना क्षेत्र के सरकार पाड़ा इलाके में हुई है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय सुजन बर्मन के रूप में हुई है। वह पेशे से दिहाड़ी मजदूर था। उसके परिवार में पत्नी गौरी बर्मन और 2 बेटियां हैं। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गौरी बर्मन के पति खा पी कर सो गए थे। रात के 12 बजे अचानक एक जहरीले सांप ने उसके कमर में डस लिया। उसे तत्काल इलाज के लिए गाजोल के तुलसी डांगा ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। यहां उसकी हालत अधिक बिगड़ने पर उसे आज तड़के सुबह मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर कर दिया गया। मालदा कॉलेज में आज सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद मृतक के परिवार समेत पूरे गाँव में मातम छाया है। দেরি করছে, তারপরে ঘুমাই গেছি। ঘুমাই যাওয়ার পর তুলসীডাঙ্গা হসপিটালে ভর্তি করা হলো। ভর্তি করে আবার ট্রাফার চললে মালদায় দিয়ে আসলাম।
ছয়টার দিক এই যে এখানে কামড়াচ্ছে, কিভাবে কামড়াচ্ছে ঘুমিয়েছিল। रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रीन एंड लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उदय द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि रक्तदान महादान है और रक्त की किल्लत को दूर करने के लिए समय समय पर अलग अलग संस्थाओं के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। रोटरी ग्रीन और लायंस क्लब ऑफ उदय जॉइंटली ब्लड डोनेशन मेगा ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आइए एवं रक्तदान करिए। महादान, रक्तदान है महादान। ब्लड डोनेशन करने के बाद एक मन में एक बहुत शांति मिलती है। आप जब तक वो ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे आपको उस शांति और उस सेटिस्फैक्शन की अनुभूति नहीं होगी। आप तुरंत द यूनिवर्स ये ईस्टर्न बाईपास पे जो कॉम्प्लेक्स है उसमें आके 4:30 बजे तक रक्तदान कर सकते हैं। प्लीज़ डू दैट। थैंक यू दोस्तों। रक्त ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस में बना है, जैसे ह्यूमन बॉडी में ही बनता है, तो आप चाह के भी इसको कुछ मैसेज वगैरह इसका यूनिट भी बैठा सकते हैं। रक्तदान करोगे तभी आपको जरूरत के समय रक्त मिलेगा। तो इसी समय जरूरत के समय का वेट नहीं करते हुए आगे से आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ सम्मिलित होकर रक्तदान करें और तुरंत यूनिवर्स में आ जाएँ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एस्के लाइव के साथ। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001:2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569। चंपासारी सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's heal. Promoting healed and empowered life is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Center Mall, Block G. Office number 426 Siliguri. The वायों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र ₹125 प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा ₹200 प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2।
कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो, हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़ दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार, इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। माटीगरा में SI ऑफिस में दुस्साहसिक चोरी, रात के अंधेरे में घटना को दिया गया अंजाम। सिलीगुड़ी महाकमा के माटीगरा क्षेत्र में शिव मंदिर से सटे सब इंस्पेक्टर ऑफिस स्कूल यानी SI कार्यालय में बीती रात एक दुस्साहसिक चोरी का मामला सामने आया है। आज सुबह SI कार्यालय में प्रवेश करने के बाद मामले के प्रकाश में आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ऑफिस के हर दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। कार्यालय के अंदर विभिन्न स्थानों में खून के थक्के पाए गए। इतना ही नहीं, पीने की पानी के नल और बेसिन सहित विभिन्न महंगे उपकरण अलग अलग जगहों पर बिखरे पड़े थे। चेकबुक सह अन्य आवश्यक कागजात भी इधर उधर बिखरे मिले। SI शांतनु सरकार ने चेकबुक बिखरने जैसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही है। हमारी SI कार्यालय में रात के अंधेरे में चोरों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां सुरक्षा की कमी है वहां उन्हें लगता है कि सरकार को इस मुद्दे पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। हालांकि ऑफिस के बाहर एक घर के अगले CCTV फुटेज से चोरी की घटना का कुछ सुराग मिला है। इधर घर के मालिक ने इसे हैरान करने वाला बताया है। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से जांच करने की मांग की है। खूब सांघातिक एक घटना, हम तक जगह घटना सुनी एक घुमाई बन संगे कथा हटात देखिए झनझन कर विशाल आवाज़ तर के बने फोन अफ कर ऐले के फोन कर लेषे घर ऐले के फोन कर लू बार हतो यत बड़ो आवाज़ हम बाड़ी कि भांगी तो यही रकम कर तो वाला आसलो आप बैलकनी से दाड़ी दाड़िए मैं अद्भुत घटना से ऐले देखी जो ऐले वही जगह घूरचे तपर हमें ऐले बो तीनजे बैलकनी दाड़ो तपर देखिए वोने घूरचे घूरे पाचिले तो बैगटा रख लो अनेक पर बैगटा पाचिले रख लो बैचिर टपकालो टपकाल रास्ता दिए हेटे हेटे गल আমি যে এত চোর চোর আমরা তিনজনই প্রচণ্ড রকম চোর চোর চিৎকার করছি একবারে এখান দিয়ে হেঁটে চলে গেল কিন্তু আমার পাড়ারও কেউ বের হলো না কোনো বাড়ি থেকে কোনো আওয়াজ নেই ও যখন এই পর্যন্ত হেঁটে গেল গিয়ে ওই গলিতে দৌড় মারল আমরা ততক্ষণেই চোর চোর চিৎকার করছি তিনজনই বারান্দায় দাঁড়াও এই বারান্দায় তারপরে যখন ওনারা আসলো এই ভিডিও আসলো তারপরে আরও লোকজন আসলো পুলিশের ভ্যানও আসলো ততক্ষণে তো চলে গেছে এই স্কুল হচ্ছে SI অফ স্কুলস শিলিগুড়ি ওয়েস্ট সার্কেল তো এটা যেটা চুরি হয়েছে আমার মনে হয় যে খুব বড় চোর সেটা না কারণ আমাদের প্রচুর জিনিস ছিল যেটা নেওয়ার মতো ছিল ল্যাপটপ কম্পিউটার সেটা নেয়নি তো তছনছ করেছে প্রচুর ক্ষতি করেছে যেটা হচ্ছে কথা আমাদের কনস্ট্রাকশন নতুন হয়েছে অফিস তো এখানে আমাদের প্রচুর বেসিন ছিল যার ফিটিংসগুলো খুব দামি সেটা ভেঙে ভেঙে নিয়ে গেছে প্রত্যেকটা তালা ভেঙেছে দামি তালাগুলো এটা ভেঙেছে এখন কে করেছে কী করেছে সেটা তো পুলিশ প্রশাসনই বলতে পারবে এখানে যেহেতু টাকা পয়সার কোনো কাজ হয় না সব চেকে পেমেন্ট হয় চেক বই নিয়ে তো ওরা কিছু করতেও পারবে না ওরা হয়তো খুঁজেছে যে ক্যাশ কিছু আছে কি না সেটা আমাদের অফিসে থাকে না আমাদের এটা হচ্ছে SI স্কুল অফিস অফিস অফ দ্য SI স্কুল শিলিগুড়ি ওয়েস্ট সার্কেল মাটিগড়া ব্লকে তো আমাদের এই স্কুলে আজকে সকালে এসে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যতগুলো গেট ছিল গেটগুলো ভাঙা মানে গেটের তালাগুলো সব ভাঙা এবং এই সিঁড়িতে দেখলাম রক্ত অ্যাকচুয়ালি তারপরে খোঁজ নিয়ে জানলাম কালকে রাত্রিবেলা এখানে চুরি হয়েছিল আর কি চুরি চোর এসেছিল
তো কজন ছিল সেটা বলতে পারছি না, এক দুজনই হবে। তো চুরিয়ে চোর এসেছিলো এবং তারা মানে তছনছ করে দিয়েছে অফিসটা। অফিসের যত মধ্যে আলমারি ছিল আলমারিগুলো ভেঙেছে, আলমারি থেকে হয়তো কিছু টাকা পয়সার খোঁজখবর ছিল সেগুলো পাওয়া যায় পায়নি আমাদের, কারণ আমাদের অফিসে কোনো টাকা ডিলিং হয় না, ক্যাশ ডিলিং হয় না। সুতরাং আমাদের ডকুমেন্টগুলো ছিল সে অর্থে কোনো টাকা খোয়া যায়নি আমাদের অফিসে, এবং কোনো কম্পিউটারও খোলা খোয়া যায়নি, কম্পিউটারও ঠিকই আছে আমাদের কম্পিউটারও খোয়া যায়নি। কিন্তু আমাদের যে টয়লেটগুলো আছে লাস্ট পর্যন্ত আমাদের যে টয়লেটের ড্রেসিংগুলো ছিল সেগুলো ভেঙেছে, আর আমাদের টয়লেটের যে ফিটিংসগুলো আছে অর্থাৎ ট্যাপ বা ট্যাপের যে ফিটিংস বা ইত্যাদি যেগুলো আছে সেগুলো সব চুরি হয়ে গেছে, সেগুলো কেটে কেটে নিয়ে চলে গেছে, আর যত ড্রেসিংগুলো ছিল সেগুলো ভেঙে দিয়েছে। আর আমার যেটা ধারণা যে উপরের ঘরের লাইটটা ওরা জ্বালাতে পেরেছে কিন্তু নিচের এমসিবিটা অন করতে পারেনি, এই যে অন্ধকারে বেসিন ভাঙতে গিয়ে হয়তো চোরের পায়ে লেগে পা কেটে গেছে বা কিছু হয়ে গেছে, সেই জন্যে খুব সমস্ত রক্তাক্ত অবস্থা। তো পুলিশ এসছে, পুলিশ এসেও দেখে গেছে। আর আমার আশেপাশে যে বাড়ি আছে তাদের সাথেও কথা বললাম, আর এটা যদি বিডিও অফিসের মধ্যে আমাদের যারা বাকি যারা এখানে থাকেন আর কি তাদের সাথেও কথা বললাম, তো এইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আশেপাশে এই চুরির ঘটনাটা কিন্তু ঘটছে। তো আশা রাখবো যে আমাদের সবাই সচেতন থাকবে। रंग बिरंगी राखियों से दुकानें सजी हुई है लेकिन खरीदार नहीं है। कुछ दिन बाद मनाए जाने वाले भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन पर भी कोरोना का असर दिख रहा है। कोरोना महामारी के कारण कुछ दिनों बाद आने वाले राखी के त्यौहार को लेकर बाजारों में खास चहल पहल नहीं देखी जा रही है। बताते चले कुछ दिन बाद ही राखी पूर्णिमा को मनाया जाने वाला इस पर्व को लेकर बाजारों में रंग बिरंगी राखी सजी है पर खरीदार नहीं है। खरीदार के अभाव में बाजार सुन पड़ा हुआ है। हालांकि राखी पूर्णिमा में अभी कुछ दिन बाकी है इसलिए विक्रेता थोड़े आशावादी जरूर दिख रहे हैं। टुकटाक आछे बाजार आगेर मतो नाई, एबार बारे कस्टमर आसे नाई, लोकल कस्टमर आसे जे अल्प अल्प माल लिए जाछे, टुकटाक आछे बाजार। नतून ओई देखालाम तो एटा नतून छिलो, एटा स्टोन गुला सब नतून वैरायटीज आछे, और बच्चा गुला टेडी बियर आछे, एटा एटार मध्ये गानटा बाजबे, बीरबिनंदन सिंह आछे, एटार मध्ये डिजाइन नतून आछे। जलपाईगुड़ी में निखिल बंग शिक्षक समिति के तत्वावधान में ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर किया गया। शहीद दिवस के अवसर पर शनिवार को जलपाईगुड़ी निखिल बंग शिक्षक समिति और ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कदम तल्ला शिक्षक भवन में आयोजित रक्तदान शिविर का संचालन जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल की चिकित्सक संजीता बधानाजी समेत चार लोगों ने किया। शिविर से एकत्रित रक्त को जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में भेजा जाएगा। যে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি সদর মহকুমা শাখা 7ই আগস্ট প্রত্যেক বছর এটা আমরা আমাদের মাস্টার মশাই হৃদয় দাস, গোপাল চাকি, যাদেরকে কেএলএনরা গুলি করে হত্যা করেছিল স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সামনে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা এই দিনটা নিজেদের রক্তদান করি। আর এবারের পরিস্থিতি আপনারা সকলেই জানেন, একদিকে করোনা কম, রক্ত অভাব চলছে ব্লাড ব্যাংকে, এরকম সময়ে আমাদের এই রক্তদান শিবির আশা করব মানুষের যে রক্তের চাহিদা, রোগীদের যে প্রয়োজন সেটা মেটাতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি আজকে ময়নাগুড়ি ধূপগুড়িতেও আমাদের রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখান থেকেও সেই রক্তগুলো আসবে, এবং আশা করব আমরা যে অসুস্থ রোগীরা যেন ব্লাড ব্যাংকে রক্ত পায় তাদের যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়, এই প্রত্যাশা আমরা রাখব। बस और ऑटो की सीधी टक्कर में मां बेटी की मौके पर मौत, 3 घायल। मालदा में ऑटो और प्राइवेट बस की आमने सामने की टक्कर में मां बेटी की मौत हो गई है। हादसे में 3 यात्री घायल हुए हैं। यह दर्दनाक हादसा शनिवार दोपहर चांचल थाना क्षेत्र के विरस्थली इलाके में हुआ है। हादसे में घायल 3 लोगों का चांचल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी बीच हादसे के बाद चांचल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 81 कुछ देर के लिए बाधित रहा। कुछ देर बाद चांचल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू किया। पुलिस ने मृतक मां बेटी के शव को बरामद कर
पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया है। दूसरी ओर स्थानीय विधायक निहार घोष ने दुर्घटना के बाद चांचल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। पुलिस सूत्रों के अनुसार हादसे में मृतक महिला का नाम सितारा बीबी बताया जा रहा है और उसकी बेटी सहनवाज खातून बताई जा रही है। चांचल पुलिस सूत्रों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज वहीं बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। দাঁড়িয়ে থাকার পরে দেখছি বাস ওই দিক থেকে মালদা থেকে ট্রান্সফার চা চলে যাচ্ছে, চেন ধরার জন্য এত চটে গাড়িটা ছেড়ে যায় স্ট্যান্ডে। আমরা দেখছি এখানে স্ট্যান্ড বসে আছি দোকানে আমরা, আর দেখছি যে টোটোটা নিজের সাইডে যাচ্ছে, এদিক দিয়ে এমনি করতে বাম সাইডে না নিয়ে ডান সাইডে নিয়ে ধাক্কা লাগালো। আসে আমরা দেখছি যে বাচ্চাটা গিরি মিরি সব উল্টে গেছে, মেয়েটারও অবস্থা খারাপ, মেয়েটা উল্টে পড়লো। উল্টে পড়ে ওরা কোন দিক দিয়ে আসছিল যারা মারা গেল? মেয়েটা আসছিল চাঁচল থেকে টোটো, আর বাস বাস আসছিল মালদা থেকে শামসি। খুব কি জোরে চালাচ্ছিল? খুব বাস চটেছিল চেন ধরার জন্য। আজকে লি ইতনা হি, আগে তমাম খবরো কে লিয়ে দেখতে রইয়ে এসকে লাইভ।